हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्वासिव पैसिव वर्ब का भाष बताने वाला हूं, पैसिव कैसे बदलते हैं। जैसे आप जानते हो, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स रहता है, जो जोड़ने का काम करता है, वो जो है सब्जेक्ट के गुण को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे द सन फील्स हॉट, जैसे हम कह दें कि सूर्य गर्म लगता है, वो विशेषता बतला रहा है कि सूर्य क्या है, गर्म है। ऐसे वर्ब के बारे में जो वर्ब जो है वो क्या करता है, एक्शन न बताकर, वैसे वर्ब जो एक्शन न बताकर वो उसके गुण को बताता है, क्वालिटी को बताता है, अपने सब्जेक्ट के गुण क्वालिटी को बताता है, क्वासिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने लिखा कि पैसिव वॉइस ऑफ क्वासिव पैसिव वर्ब। यहाँ पर लिखा कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है जिनका रूप एक्टिव की तरह मालूम पड़ता है, जो देखने में लगता है एक्टिव जैसा, लेकिन अर्थ पैसिव की तरह होता है, लेकिन उसका जब अर्थ निकलता है तो पैसिव की तरह हो जाता है। वही वैसे ही वर्ब को हम क्वासिव पैसिव वर्ब या मिडिल वॉइस कहते हैं, वैसे ही को हम क्वासिव पैसिव वर्ब या मिडिल वॉइस कहते हैं। तो जानना है, जैसे लिखा हुआ द बॉल फील्स हार्ड, यहां पर देखिए कि गेंद काड़ा मालूम पड़ता है, गेंद काड़ा मालूम पड़ता है, ये गेंद की विशेषता बता रहा है कि गेंद कैसा है, तो कड़ा है, ये बता रहा है इसका एडजेक्टिव, गेंद कैसा है तो कड़ा है। उसके बाद द बॉल इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ड, और दूसरा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि गेंद काड़ा मालूम पड़ता है कब, जब उसका स्पर्श किया जाता है तब। कैसे हमें पता चला कि गेंद कड़ा है, जब उसको हमने स्पर्श किया तब पता चला। तो याद यही रखना है कि जब वो क्या करता है कि वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लेता है और वो सब्जेक्ट के ही क्वालिफाई करता है, वही क्वासिव पैसिव वॉइस कहला जाता है या मिडिल वॉइस कहलाता है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट क्वासिव वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट क्वासिव वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब उसका पैसिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब टू बी लेंगे, एक्जिलरी वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब। अब उसके बाद क्या करना है, आपको भेन जोड़ देना है, अब भेन के बाद सब्जेक्ट को प्रोनाउन हो जाएगा, भेन के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद क्या रहेगा आपको वर्ब, और उसके बाद क्या करना है टू बी, उसके बाद भी3 लगाना है। वर्ब के बाद क्या करना है टू बी, उसके बाद भी3 लगाना है। अब देखिए आपको एक्टिव है, अब देखना है आपको इसका एक्टिव बनाने के लिए। तो देखिए एक्टिव है द बॉल फील्स हार्ड, द बॉल फील्स हार्ड, गेंद काड़ा मालूम पड़ता है, तो इसको पैसिव बनाना है। तो द बॉल इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ड, कैसे बना दिए, तो देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिया इसी को, बॉल वर्ब क्या लिया, फील्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस है, इसके लिए एक्जिलरी वर्ब लिया हमने इज, उसके बाद क्या लिया यहाँ पर जो एडजेक्टिव था दिया हुआ स्ट्रक्चर में हार्ड, उसके बाद क्या जोड़ना है हमको व्हेन, उसके बाद फिर प्रोनाउन क्या लेंगे बॉल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट लेंगे, उसके बाद एक्जिलरी वर्ब क्या उसका रहेगा, तो आपको इसके लिए एक्जिलरी वर्ब ले लेंगे इज, क्योंकि यहां पर भी लिए थे, और उसके बाद क्या है भी3 लेना है, तो फील्स का भी3 क्या हो जाता है फेल्ड। उसके बाद देखिए दूसरा जो है इस तरह से दिया हुआ द सोफा फील्स हार्ड, द सोफा फील्स हार्ड, इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा द सोफा इज हार्ड, अब उसके बाद क्या लेंगे हम वेन को जोड़ना है, और उसके बाद सोफा क्या है नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए प्रोनाउन क्या आएगा यहां पर इट, उसके लिए वर्ब क्या होगा इज, अब उसके बाद क्या हो जाएगा अब फील था तो क्या हो जाएगा फेल्ड, द सोफा फील्स हार्ड व्हेन इट इज फेल्ड हो गया। तो इस तरह से दो को मैंने बनाया, और आगे देखते हैं बनाने के लिए इसको पर और आगे बनाते हैं। तो चलिए और कुछ बनाते हैं पैसिव क्वासी का, जैसे लिखा हुआ मैंगो टेस्टेड स्वीट, तो हो जाएगा इसका मैंगो इज स्वीट, जोड़ देंगे इसको व्हेन इट इज टेस्टेड, आम मीठा लगता है जब उसको हम चखते हैं, जब उसको हम चिखते हैं, रोज स्मेल्स गुड, गुलाब अच्छा लगता है, तो हो जाएगा रोज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब इसे सूंघा जाता है तो गुलाब अच्छा महकता है, गुलाब अच्छा लगता है। पोयम रीड्स वेल, कह रहा है कि कविता सुंदर लगता है, कविता सुंदर लगता है, कविता अच्छा लगता है, पैसिव हो जाएगा इसका द पोयम
इज वेल, द पोयम इज वेल व्हेन इट इज रेड, जब इसे पढ़ा जाता है, क्योंकि रीड ही लिखा जाता है, पढ़ते हैं हम रेड भी थ्री में। और है एक द सन फील्स हॉट, सूर्य गर्म लगता है, इसको क्या हो जाएगा, द सन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट, द सन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पैसिव हर बता दिए। आशा करता हूं कि इसके बाद जरूर आप पैसिव का पैसिव में बदलने के लिए सीख गए होंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो उसको क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।